हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और आपकी शॉर्ट वीडियो यहां पर वायरल नहीं हो रही है, कहने का मतलब अगर आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाना है, किस तरीके से अपनी वीडियो पर व्यूज लाना है, बहुत ही आसान तरीके से जो कि आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं और अपनी वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सा वीडियो एडिटर चाहिए, इसी के साथ में हमें ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत होती है जो कि उसके अंदर हमें सारे फीचर्स मिल जाएं, जैसे कि कुछ इफेक्ट मिल जाए, इसी के साथ में कुछ टेम्पलेट्स मिल जाए, वीडियो एडिटिंग को लेकर यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप उसमें शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा यहाँ पर देना नहीं है, वाटरमार्क आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर लिखना है यूकट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्ले स्टोर को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ लिख दिया यू, उसके बाद में कट, इस तरीके से हम लिखकर यहाँ पर सर्च कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस एप्लीकेशन को मैं पहले ही यूज कर रहा हूँ, पर मैं इसे चलिए अपडेट यहाँ पर कर लेता हूँ क्योंकि इसका कोई भी अपडेट आ गया है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है हमारी अपडेट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब मैं भैया यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको AI का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि AI, अगर आप AI के जरिए यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप खुद की वीडियो यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस के लिए टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तब भी आप टेम्पलेट्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं AI का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, तो चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि अगर आप इसमें कोई भी फोटो है वो अपनी डालते हैं तो आपकी फोटो का जो लुक है वो यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए यहाँ पर मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ जैसे कि ये है और मैं इसे यहाँ पर ये प्रो है, तो इसमें आपको कुछ फ्री देखने को मिल जाती हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे यूज कर लेता हूँ, अभी ये वाली टेम्पलेट के लिए इस मैं आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाता है ओके, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आप अपनी गैलरी से फोटो को यहाँ पर ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटोज के लिए ले लेता हूँ, हमारी फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करेंगे यानी कि इंतजार करेंगे और हमें यहाँ पर यानी कि नो एड नो वाटरमार्क, कहने का मतलब है ना तो आपको इसके अंदर कोई ऐड देखने को मिलेगा और नो वाटरमार्क अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं तब, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तब आप यहां से यानी कि जो इनका प्रो वर्जन है वो आप यहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं और जो आपके पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम फ्री वाले की बात करने वाले हैं क्योंकि एक ऐड हमें देखने को मिलेगा और इसमें कुछ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लुक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपको इफेक्ट यहाँ पर प्रो वाले भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर एक ऐड वाला देख लेते हैं। अब हमें कोई भी चाहिए तो हम इसे यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमें रूम जाने के पैसे देने पड़ेंगे और हम इसे देखते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आप इसमें पैसे खर्च करना चाहें तो पैसे खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप इसे यहाँ पर अनलॉक करना चाहें तो आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ही बार इसका ऐड देखने की जरूरत है और आपको ऐड देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसे, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ, जो हमारी फोटो है वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसका यूज करके अपनी फोटो भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर यानी कि आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाए इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर इसी प्रकार आप मेरी कई सारी फोटोज को बना लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर यानी कि एक वीडियो बना सकते हैं।
इसी के साथ में आपको यहाँ पर बैक करना है, प्लस का आइकन देखने को मिल गया है, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप अपनी फोटो या फिर वीडियोस को ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी दिखाने के लिए आपको दो तीन फोटोज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर साइज को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर साइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आखिर कौन से फ्रेम में हमें वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पर 9.16 कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके बाद में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप अपने हिसाब से फोटोज के लिए यहाँ पर कस्टमाइज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो आपके फोटो हैं वो लमसम यहाँ पर सभी कस्टमाइज हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे, और इन्हें कलर वगैरह भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि एक शॉर्ट वीडियो एडिटिंग को लेकर चाहिए होते हैं हमें, वो सारे इसके अंदर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक और आपको यहाँ पर कलर जो कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फिल्टर, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहां से चलिए मैं इसे रहने देता हूं और इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो इसी हिसाब से आप यहां पर और भी सारी यानी कि फोटोज को कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इसे भी यहां पर कर देता हूं, अलग अलग कलर की कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद में यस कर देते हैं। यस करने के बाद आप यहां पर म्यूजिक लगा सकते हैं, अगर आपके पास फ्री म्यूजिक नहीं है तो आप यहां पर फ्री म्यूजिक को भी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इफेक्ट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि कैद की आवाज, ताली की आवाज, और जैसे कि फनी घंटी, कैमरा, फोटो क्लिक करना, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि आप उनके जरिए से यहाँ पर फोटोज के लिए आप यहां पर आवाज दे सकते हैं। जैसा आप फोटो है उसी हिसाब से आप यहां पर दे सकते हैं आवाज, ठीक है। जैसे कि कैमरा है तो कैमरे के आप यहां पर वॉइस को चेक करेंगे, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर लगा लेंगे, हमारी वीडियो में आवाज आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर जैसे कि कुछ लिखना है अपनी वीडियो में तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, और आप यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इमोजी लगा सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप कोई दूसरी वीडियो या फिर फोटो लगाना चाहते हैं ऊपर, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर स्पीड भी तय कर सकते हैं। ऑडियो आप यहाँ पर खुद की यूज कर सकते हैं यानी कि रिकॉर्ड कर कर, और आप यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल ही जाते हैं। उसके बाद में आप यहां पर सेव कर देंगे तो आपको यहां पर एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है आपको 4K तक का आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो 4K में भी आप यहां पर कर सकते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ सेकंड यहां पर वेट कर लेते हैं। और जो एक्सपोर्ट करने की जो वीडियो की यहां पर जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर मैं 4K में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर ये सेकेंड चल रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि AI का आपको कलर या फिर फोटो का भी ऑप्शन मिलेगा, और इसमें टेम्पलेट्स बहुत ही गजब की मिलती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, मैं वीडियो को बिल्कुल कट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो है, हम यहाँ पर प्ले करके देख लेंगे, देख सकते हैं। तो वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी खासी बन चुकी है, और इसे हम यहाँ से व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेम्पलेट्स यूज करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अब आप यहां से अपनी वीडियो ले लेंगे या फिर फोटो है तो फोटो ले लेंगे, ठीक है।
तो चलिए मैंने यहां पर अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं। तो मैंने अपनी फोटो और वीडियो मैंने यहाँ पर ले ली है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ जो वीडियो हमारी इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। तो देख सकते हैं, और चलिए हम यहाँ पर प्ले करते हैं। कुछ इस तरीके से आया है सॉन्ग वगैरह, तो मैंने आपको बताया गया है सॉन्ग वगैरह आपको किस तरीके से यूज करना है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी आपको यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर एडिट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ओके पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो वीडियो है वो आपकी एडिटिंग में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में अपनी वीडियो की आप यहाँ पर आवाज को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आप कोई सॉन्ग लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सॉन्ग पर सिंपली क्लिक करता हूँ, म्यूजिक पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा ऑडियो कर देता हूँ। और आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 4K तक में वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।